हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है आज जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बस इसका ये लास्ट टॉपिक है। और आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ ओजोन लेयर। तो जैसे कि हमें पता है कि हम सब जितने भी लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स हैं, सारी चीज़ें धरती के ऊपर होती हैं। हम सब धरती के ऊपर रहते हैं। धरती के चारों तरफ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। ये मैंने एक लेयर बनाया और इसके ऊपर दूसरा। ये सबसे पहली जो लेयर है, इस पे हम लिविंग्स रहते हैं और इसे क्या कहते हैं? लोअर एटमॉस्फेयर। ऊपर वाली को कहते हैं अपर एटमॉस्फेयर। सो दो लेयर्स हमने बनाई, एक लोअर एटमॉस्फेयर और एक अपर एटमॉस्फेयर। अब सनलाइट जब धरती के ऊपर पड़ती है, सनलाइट से हमें एक तो सन की लाइट मिलती है ऊपर से, दूसरी बात इससे हमें एनर्जी मिलती है। जो सनलाइट जैसे इस तरह से धरती के ऊपर पड़ती हैं तो ये हमारी धरती तक पहुंचती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं लोअर एटमॉस्फेयर में। जो ये ऊपर वाली एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर है, जो मैंने आपको बताया, इसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, लास्ट लेयर जो ये मैं बना रही हूँ, इसे क्या कहते हैं? लेयर्स ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन लेयर। अब इसे ओजोन लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ओजोन की कंसंट्रेशन होती है। पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, किसकी डेफिनेशन? ओजोन लेयर की। सो ओजोन लेयर इज अ रीजन इन एटमोसफियर, इन अर्थ एटमोसफियर विच कंटेन्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। वॉट इज ओजोन? नाउ वॉट इज ओजोन? ओजोन क्या है? ओजोन लेयर ऐसा रीजन है, रीजन मतलब एक पर्टिकुलर जगह हो गई, एरिया हो गया, ऐसा रीजन है एटमोसफियर के अंदर जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है ओजोन की, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। इसे नाम दे दिया गया ओजोन लेयर क्योंकि यहाँ पे ओजोन होती है। अब एंड दिस इज ओजोन, एंड दिस ओजोन इज प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। और ये जो सन से, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उनसे लिविंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं, क्या? ओजोन लेयर। तो ये एक ऐसा रीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन की, और ये प्रोटेक्ट करती है हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये है ओजोन लेयर। अब बात करेंगे व्हाट इज ओजोन। और हमें ये तो पता चल गया ओजोन लेयर क्या है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन की, पर ये ओजोन क्या चीज़ है? सबसे पहले बात करेंगे ओजोन की। ओजोन क्या चीज़ है? ये एक तरह की गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। ओजोन एक तरह की गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O3। अब ओजोन क्या है ये पता चल गया। नाउ हाउ ओजोन लेयर फॉर्म, अब ये ओजोन लेयर बनती कैसे है इसके बारे में जानेंगे। ओजोन फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑक्सीजन, ये सबको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, ये भी एक तरह की गैस होती है जो पूरे इन्वायरमेंट में होती है, पूरे धरती के ऊपर होती है, पूरे धरती से बाहर एटमॉस्फेयर में होती है, और ये बहुत ही ज़रूरी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म रहता है O2। O2 मीन्स टू एटम्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन के, दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर O2 की फॉर्मेशन करते हैं और O2 को कहते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इज वेरी 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 इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग्स, जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर में ऐसे O2 के फॉर्म में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है चारों तरफ। तो होता क्या है, जब सूरज में
मिलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सन से आने वाली जो रोशनी होती है, जो एनर्जी होती है, उसमें क्या होती है, रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑक्सीजन के ऊपर आकर पड़ती हैं, तो ओ टू के फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो सिंगल सिंगल हो जाता है। दो ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और ओ टू ओ के फॉर्म में, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे कि फ्री ऑक्सीजन एटम भी कहा जाता है। तो ये है फ्री ऑक्सीजन एटम्स। अब एटमोसफेयर में जैसे ओ टू और ओ ये दोनों प्रेजेंट हो गए, ओ टू और ओ ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे और क्या प्रोडक्शन करेंगे, ओ थ्री की। ओ टू प्लस ओ गिव राइज टू ओ थ्री। ओ थ्री क्या होता है, ओजोन। ओजोन की फॉर्मेशन हो गई, ओजोन। हमारा क्वेश्चन था हाउ ओजोन लेयर फॉर्म, तो इस तरह से ओ टू प्लस ओ क्या बना देते हैं, ओजोन। नाउ बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन की, जो हमारा मेन टॉपिक था, ओजोन लेयर की अब डिप्लीशन कैसे हो रही है, ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड। हाउ डिप्लीट मतलब ख़त्म होना, ये ख़त्म कैसे होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको इसका मेन, जैसे हम धरती पर रहते हैं, अर्थ, इसके ऊपर रहते हैं, ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, और दूसरा मैंने जो बनाया था अपर लेयर, इसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन्स की। जैसे ही सूरज की रोशनी धरती के ऊपर पहुँचती है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो होता क्या है, सूरज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है वो भी धरती पर आने की कोशिश करती हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैंने बताया बहुत हार्मफुल होती है। ये कैसे हार्मफुल होती है, पहले ये देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इट कैन कॉज स्किन कैंसर, स्किन की कैंसर कॉज कर सकती है। इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, स्किन के बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। इट कैन कॉज वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती हैं। तो ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज की हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं हमारे लिविंग्स के ऊपर। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। तो होता क्या है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस तरह से धरती पर आती हैं, तो ओजोन लेयर से टकरा कर वापस मुड़ जाती हैं, कुछ इस तरह। एक और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एग्जाम्पल है, तो इस तरह से वापस मुड़ जाती हैं ओजोन लेयर से टकरा कर। तो इस तरह से धरती की प्रोटेक्शन हो जाती है ओजोन लेयर से। इससे आप आराम से बता सकते हैं कि ओजोन लेयर का काम क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फंक्शन यही है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं, जो कि सूरज से आने वाली रेडिएशंस होती हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो होता क्या, ओजोन लेयर इस तरह से यहाँ पे होल हो जाता है ओजोन लेयर में। तो होल होने से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो धरती के ऊपर पहुँचना शुरू कर देती हैं। होल होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओजोन लेयर में होल होने से इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर आना स्टार्ट कर जाती हैं, और इस होल को कहते हैं ओजोन होल। ये जो होल हो जाती है, हो रही है धीरे धीरे, इसे कहते हैं ओजोन होल। अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस इस तरह से धरती के ऊपर पहुंचना स्टार्ट हो जाती हैं, ड्यू टू होल इन ओजोन लेयर। डिप्लीशन कैसे हो रही है ओजोन लेयर की, मतलब इसमें जो होल हो रहा है, डिप्लीशन मतलब यही होल होना, खत्म होना, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है हार्मफुल गैसेस कंटेन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स। वो सारी एटमॉस्फेयर में मिलने वाली हार्मफुल गैसेस, फैलने वाली हार्मफुल गैसेस जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसका रीज़न है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
इसके अलावा और गैसेस हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन्स। ये सारी गैसेस जो हैं एक रीज़न है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का। ओजोन लेयर इन सारी गैसेस हार्मफुल गैसेस की वजह से डिप्लीट हो रही है। द सब्सटेंस व्हिच कॉज डिप्लीशन नोन एज ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस ODS, शॉर्ट फॉर्म इज ODS, वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कारण बनती है उसे कहते हैं ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। जैसे कि ये सारी गैसेस हैं जितनी भी मैंने बताई, जिसमें क्लोरीन है और ब्रोमीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारी गैसेस क्या हैं? ODS, ये वो सब्सटेंस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का कारण बनती है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सब्सटेंस जो ये जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कारण बने उसे कहते हैं ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म इज ODS। एक स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट में ये लिखती हूँ जो एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है मोस्ट अबंडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ODS है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। दीज हार्मफुल गैसेस आर कम्स फ्रॉम, ये सारी हार्मफुल गैसेस आती कहाँ से है उसके बारे में देखिए, जैसे सोप स्प्रे सॉल्वेंट, एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट विच कॉज हार्मफुल गैसेस, या फिर रेफ्रिजरेटर जो आपके घरों में फ्रिज है, या फिर एयर कंडीशनर AC, इन सारी चीज़ों में से ODS प्रोड्यूस होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, और भी एक्टिविटीज होती है जैसे कोई इंडस्ट्रीज हो गई ऐसा कुछ, तो इन सब चीज़ों से ODS प्रोड्यूस होता है। ODS में पाया जाने वाला 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ODS में पाया जाने वाला क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ O3, और ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय मोर क्विकली देन इट्स क्रिएटेड ओजोन लेयर जितनी जल्दी बनता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा जल्दी ये ख़त्म होता है। तो इन रेफ्रिजरेटर्स CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म आ जाए तो आप लिखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए आ जाए तो आप लिखोगे CFC। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इफ़ेक्ट क्या होता है ओजोन डिप्लीशन का? ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ये दोनों चीज़ें आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी की है कि ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ अगेन स्टार पॉइंट, अमाउंट ऑफ ओजोन ड्रॉप शार्पली इन 1980। सबसे पहले शार्पली जब ओजोन लेयर की डिप्लीशन हुई थी वो हुई थी 1980 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओह नो, तुमने सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। ओप्स, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाए।